वाराणसी में IIVR में देश के किसानों के लिए सब्जी के उत्कृष्ट बीजों का उत्पादन करता है। संस्थान प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ओडिशा के सरकारी अधिकारियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो अपने प्रदेश में जाकर कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में किसानों को नई तकनीक की जानकारी देंगे और प्रेरित करेंगे। इस संस्थान का उद्देश्य किसानों को अच्छे सब्जी के बीज उपलब्ध कराना है, जिससे उपज के साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। पीएम मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति की थाली में कुछ न कुछ भारत के कृषि उत्पाद अवश्य होना चाहिए। यह संस्थान उनके इस कथन को पूरा करने के संकल्पबद्ध दिख रहा है। यहां शोध के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी काफी काम किया जाता है। यहां मिर्च के बीज की मांग पूरे देश में रहती है। इनके लिए यह संस्थान दवाएं भी तैयार करता है, जिसमें कम से कम नुकसान के साथ लोगों को कृषि उपज प्राप्त हो। वो हमको चाहिए तो वो ज्यादा से ज्यादा हम सब्जी से ही पा सकते हैं। तो हम यहाँ कैसे बेहतर सब्जी ग्रो कर सकते हैं और कम जमीन में जो हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो हम किसी से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो वो सीख रहे हैं। और जैसे हमारा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ रहा है सब्जी के लिए, उसको हम कैसे हमारा फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो है सब्जियों पर विशेष रूप से अनुसंधान होता है और इस समय हम 42 सब्जियों पर अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ये किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है, किसान है, हम सब्जी से संबंधित किसानों की हर समस्याओं का, यदि उनकी प्रजातियों की समस्या है तो उनकी प्रजातियों के विकास का हम बात करते हैं, उनके उत्पादन तकनीक की कैसे अच्छी तकनीक है जिससे कि हम कम लागत लगा करके अधिक आमदनी प्रदान कर सकते हैं, और तीसरा जो है बीमारियों और कीड़ों खेतों में लगते हैं सब्जियों में, उनके नियंत्रण हेतु हम जोते हैं सभी, जैसे हम रासायनिक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं, हम जोते हैं जैविक द्वारा भी, कैसे इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और फसल सुधार संबंधी विभिन्न तकनीकों और आयामों से परिचित कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों विषयों को सम्मिलित किया गया है और हमें आशा है कि इस प्रशिक्षण को पाने के बाद ये अपने राज्य में वापस जाकर किसानों को इन नवीनतम तकनीकों को पहुंचाएंगे, ताकि उनके आय और जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। सब्जियों में कई प्रकार के कीड़े भी लगते हैं, कई प्रकार के रोग भी लगते हैं, वो ना लगें या लगते हैं तो उनके नियंत्रण करने के लिए कम लागत वाली क्या तकनीकियां हैं वो सब हम लोग यहाँ विकसित करते हैं। तो इसमें जो संबंधित रोग प्रबंधन, संबंधित कीट प्रबंधन की तकनीकियां विकसित की जाती हैं, इसमें जो जैव नियंत्रण होता है, जैविक बायो कंट्रोल एजेंट, उस पर भी हम काम करते हैं। जैसे बिवरिया बैसियाना का यहाँ फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जो बहुत प्रकार बहुत से हमारे कीड़े जो होते हैं सब्जियों में लगते हैं उनको रोकने का काम करता है। इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा के फॉर्मुलेशन, सीडोमोनास के फॉर्मुलेशन, बैसिलस के फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं। ये जैव कीटनाशी हैं, बायोपेस्टिसाइड हैं, ये रसायन नहीं होते हैं, ये हमारे वैसे माइक्रोब्स होते, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम सब्जियों में लगने वाले कीड़ों को, सब्जियों में लगने वाले रोगों को प्रबंधित करते हैं।